देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, अभी आपने जो मनाज़िर देखे, ये मकबूज़ा कश्मीर के हवाले से हमने आपको दिखाए। 6 हफ्ते हो गए मकबूज़ा कश्मीर के अंदर, अभी तक कर्फ्यू नाफिज है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ उनकी तादाद भी बढ़ा रखी है और तमाम की तमाम हुर्रियत लीडर को भी या तो हाउस अरेस्ट किया हुआ है या जेलों में डाला हुआ है। जिस किस्म के मुजालिम हमारे देखने में आ रहे हैं, दुनिया में किसी और जगह होते तो मेरा ख्याल है बैन अल-अक़वामी बरादरी जो है इसका भरपूर नोटिस लेती। हमें ये कहने में कोई आर नहीं है कि आज नरेंद्र मोदी साहब ने जो बयानात दिए हैं पाकिस्तान में बलूचिस्तान के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, एक एडमिशन किया है, उन्होंने कन्फेस किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर रवाबित रखे हुए हैं, दरअंदाजी करा रहे हैं और भारत का एक स्टेक मौजूद है पाकिस्तान के अंदर हालात ख़राब करने में। आज उनका जो सबूत है नरेंद्र मोदी साहब ने अपनी स्पीच में खुद ये कह के दे दिया कि मुझे लोगों ने बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से कहा कि वाह 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 जनाब, क्या बात है आपकी, आपने हमारे लिए बहुत काम किया है। बात करेंगे इस हवाले से। मैं मेहमानों का आपसे तारुफ करवाए देता हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में अली सरवर नकवी साहब, फ़ोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं मीरवाइज उमर फारूक साहब, चेयरमैन हैं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। बहुत बहुत शुक्रिया मीरवाइज साहब। मीरवाइज साहब, आज जो आपने स्पीच देखी नरेंद्र मोदी साहब की, कश्मीर का जिक्र उन्होंने कहाँ किया, कश्मीर के हालात के बारे में उन्होंने क्या कहा, मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रॉब्लम भी इसको कंसिडर करना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो बड़ा क्लियर जो आज उनकी स्पीच थी, सबसे बड़ी बात तो ये कि कश्मीर का उन्होंने जिक्र ही नहीं किया और जाहिर सी बात है कि कश्मीर के हवाले से बहुत ही ज्यादा वीक विकेट पे हैं और कश्मीर के मसले को भारत पॉलिटिकली डील ही नहीं करना चाहता है, खाली मिलिटरली इस मसले को डील करना चाहता है। अब उनकी कोशिश ये रही है कि भाई इस मामले को जो है वो डायवर्जन दिया जाए कि पाकिस्तान जो कश्मीर की बात कर रहा है, कश्मीर में जुल्म की बात कर रहा है, नाइंसाफियों की बात कर रहा है, तो ये टिट फॉर टैट की पॉलिसी पे अब चलना चाहते हैं। कभी बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, कभी गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, तो गोया कि एक एक नया डायमेंशन अब इन्होंने ऐड कर दिया इस सारे मामले में कि जहां पे कि वो अब अपने आवाम को और अपने लोगों को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान हमारे अंदरूनी सो कॉल्ड मामलात में मुदाखलत कर रहा है तो हम भी पाकिस्तान में जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ हम भी आवाज उठाएंगे और हम भी उन लोगों की मदद करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत जो है वो इस वक्त एक ऐसी पॉलिसी पे काम कि इन्होंने फौजी कुव्वत और फौजी ताकत का बिल्कुल एक 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 नया सिलसिला शुरू कर दिया है। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा था तो कुछ लम्हा पहले इतला मिली है कि श्रीनगर में फिर से सीआरपीएफ ने गोली चला दी है, एक और जवान शहीद कर दिया गया है और एक और सीरियसली जख्मी है, कई 2-4 जगह और भी इंसिडेंट्स हुए हैं। तो गोया कि ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि ये यहाँ पे एक मिलिट्री और फौजी कुव्वत और ताकत के बल पे हमारी आवाज को यहाँ दबाना चाहते हैं क्योंकि इनके लिए बड़ा जो है ये भारत के अंदर बड़ा आसान हो जाता है ये कहना कि भाई जो भी वादी में हो रहा है ये सब कुछ कश्मीर में पाकिस्तान करवा रहा है और उसके बाद उन्हें कोई जवाब नहीं देना पड़ता, इनके लिए काफी इजी एस्केप रूट हो जाता है ये, अपने आवाम इनसे कभी सवाल नहीं पूछते। लेकिन जहां तक कश्मीरियों का ताल्लुक है कि हमारे लिए ये मोदी ने क्या कहा, मोदी ने क्या नहीं कहा, ये कोई खास माने नहीं रखता है क्योंकि हम तो भारत का जालिमाना और जाविराना चेहरा रोज कश्मीर में देखते हैं। बलूचिस्तान के हवाले से वो क्या कहें, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वो क्या कहें, आई एम श्योर के पाकिस्तान उसका जवाब देगा। लेकिन जहां तक कश्मीरियों का ताल्लुक है, कश्मीर में इसमें दो राय नहीं है कि भारत जुल्म, नाइंसाफी, कत्ल गारत गिरी, इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां और पिछले एक महीने से जो कश्मीर में हो रहा है 40 दिनों से, ये पूरी दुनिया देख रही है कि जारे कौन है, कातिल और राशिद कौन है और मजलूम कौन है। मीरवाइज साहब, जो आप कह रहे हैं कि मोदी साहब ने जो बात की उसका कोई रेलेवेंस इतना नहीं बनता क्योंकि आपको उनसे उम्मीद भी कोई नहीं, लेकिन हम ये जरूर कि अगर पैरेलल ड्रॉ किया जाए या एग्जांपल दी जाए
तो कोई कॉन्टेक्स्ट देख के दी जाए। कश्मीर का अपना एक कॉन्टेक्स्ट मौजूद है जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकग्नाइज्ड है, बलूचिस्तान का इस तरह का कोई रेफरेंस या कॉन्टेक्स्ट मौजूद नहीं है। बहरहाल नरेंद्र मोदी साहब ने वो बात की, वो हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे। हमें ये बताइए, अब ख्वातीन की रैली निकली, आसिया अंदराबी साहिबा उसके अंदर जख्मी हुई, तो अब क्या भारत के पास सवाए ओछे हथकंडों के और कुछ नहीं रह गया? हम जानना ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट में से उनकी आवाजें आ रही हैं कि आप उनके साथ बातचीत शुरू करें, वाजपेयी साहब ने जो प्रोसेस शुरू किया था उसको दोबारा रिज्यूम किया जाए। देखिए, हकीकत यह है कि भारत के पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, जो जो कि आप इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि हम बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं और गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, या जिसे कहते हैं कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं। मतलब ये तो देखिए पूरी दुनिया देख रही है कि अगर वहां से कोई ऐसा मसला होता आजाद कश्मीर के हवाले से, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, वहां कोई तहरीक चलती, वहां कोई आवाज उठती, वहां पे जुल्म के खिलाफ कोई जलसे जुलूस निकलते, पूरी दुनिया देख रही है जिस तरह की कश्मीर को देख रही है। तो मैं समझता हूं कि ये एक डिप्लोमेटिक लेवल पर एक थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, और जिसे हम कहते हैं कि यू नो आई मीन है वो पाकिस्तान ने जो कल बयान दिया कि भाई हम आजादी कश्मीर की न सिर्फ हिमायत करते हैं बल्कि डेडिकेट करते हैं अपना आजादी का दिन कश्मीरियों के हवाले, उससे काफी ये बौखला गए हैं और इनको ये लग रहा है कि भाई पाकिस्तान का अभी इतना जारहाना अमल या अप्रोच कभी नहीं था कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तान हमेशा बात करता था मुजाकरात की, डायलॉग की, लेकिन आज पाकिस्तान एक एग्रेसिव डिप्लोमेटिक अप्रोच है कश्मीर के हवाले से, जो कि अच्छी बात है। आई थिंक पाकिस्तान बहुत पहले से ये करना चाहिए था कि कश्मीरियों के हवाले से, कश्मीर के मसले के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का पाकिस्तान इसका एक फरीक है और इसका एक एक मैं कहूंगा कि एक लीगल हक उसका बनता है। और मैं समझता हूं कि जो इन्होंने मोदी साहब जो ये आजाद कश्मीर की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी एक लिहाज से इनके लिए भी एक बड़ा सवाल पैदा होगा आने वाले दिनों में। भाई आजाद कश्मीर का जो मामला है, गिलगित बल्तिस्तान का जो मामला है, ये भी तो कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, ये तो अलग नहीं है। तो ठीक है, अगर उस पर भी वो बात करना चाहते हैं तो करें बात, लेकिन असल मामले फिर कश्मीर के मसले पे तो पर बात करनी पड़ेगी। फिर दाखिली मामला उनका नहीं था, क्योंकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, ये जो 14 अगस्त 1947 को जो कश्मीर मार्ज वजूद में था, वो तो सारा ही यूएन के कॉन्टेक्स्ट में डिस्प्यूटेड है। तो आई थिंक ये इनके लिए इतना आसान भी नहीं है इस बात को ये कहना, लेकिन ये जरूर है कि कश्मीर के हवाले से देखें, हमारे लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि भारत क्या बोली कश्मीर में बोल रहा है। भारत कश्मीर में एक ही बोली बोल रहा है, वो बंदूक की नली से बोल रहा है। और जैसे आपने कहा कि इनके कोई मानी नहीं रखता कि आगे बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, हर किसी को ये एक ही तराजू में तोल रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, पैलेट चलाए जा रहे हैं। और ये पैलेट्स का जो आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि जिस तरह से ये कश्मीरी नौजवानों को, बच्चों को ब्लाइंड कर रहे हैं, अंधा कर रहे हैं, पैलेटों से टियर गैस चलाए जा रहे हैं, औरतों को, खवातीन को जदोकोब किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा इंसानी और सरकारी दहशतगर्दी का तो शायद ही कहीं मुजाहिरा हुआ हो। तो मैं समय उस हवाले से हमारे लिए खास मानी नहीं रखता कि डिप्लोमेटिकली भारत क्या कर रहा है, लेकिन इंटरली भारत जो कश्मीर में कर रहा है, हम ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया वो देखे और पाकिस्तान पूरी दुनिया को वो दिखाए कि कश्मीर में क्या भारत कर रहा है। बहरहाल कॉन्टेक्स्ट हमेशा अहम होता है। अगर आजाद कश्मीर के हवाले से भी आप बात करते हैं तो आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान की फौज जो है ऑपरेट नहीं कर रही, इमरजेंसी या कर्फ्यू नाफिज नहीं है। कम्युनिटी के हवाले से अगर आप बात करें तो इन हार्मनी है, लोग वहां पे इस तरह एहतजाज नहीं कर रहे हैं, उनको अंधा नहीं किया जा रहा है, उनका खून नहीं बहाया जा रहा है, उनके हुकूक सलब नहीं किए जा रहे हैं। हम जानना ये आपसे चाहते हैं अमीर भाई साहब, पाकिस्तान ने ऑफर एक्सटेंड की इंडिया को कि आप मसला कश्मीर के हवाले से बातचीत कीजिए, इंडिया को जब जो जवाब आया वो बहुत मजाका खेज था। उन्होंने कहा कि जी आप दर अंदाजी कर रहे हैं, आपकी तहरीक के अभी दामन उन्होंने दागदार कर दिया इससे, क्योंकि हम बिल्कुल जानते हैं कश्मीर के मारूजी हालात को भी मद्देनजर रख के ये बात जांची जा सकती है कि इंडिजनस इस वक्त स्ट्रगल चल रही है, उसको टार्निश करने की भी कोशिश की। भारत की तो पाकिस्तान ने एक एक एक, एक पुरखलूस कोशिश की और उनको दावत दी कि वह कश्मीर सेंट्रिक हम बात करें करें, क्योंकि जाहिर सी बात है मेन मसला कश्मीर का है। और आई थिंक पाकिस्तान को हमेशा की हमेशा कोशिश रही है और रहनी चाहिए, जिस तरह से पहले हम देखते थे 90s में
कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी होती थी या इंडिया के रिलेटेड जो पाकिस्तान की जो बातचीत का अमल होता था उसमें मेन कश्मीर होता था और उसके बाद बाकी इश्यूज होते थे, लेकिन बीच में सिचुएशन ये हो गई कि बाकी इश्यूज आ गए, उसमें फिर कश्मीर भी एक इशू रह गया। तो आई थिंक बड़ा क्लियरली पाकिस्तान को ये कहना है कि जो मेन इशू हमारा है, जो मेन फोकस इंडिया पाकिस्तान डायलॉग का या इंडिया पाकिस्तान एंगेजमेंट का, वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर है, उसके बाकी जो सारे इश्यूज हैं वो सब उसके ऑफ शूट्स हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात तो ये है कि भारत ऑब्वियसली तो एंगेज करेगा ही नहीं, क्योंकि पॉलिटिकली तो इनके इनका केस ही नहीं है, इनका केस इतना कमजोर है कि ये पाकिस्तान से किस बुनियाद पर बात करेंगे या कश्मीरियों से किस बुनियाद पर बात करेंगे। आप देखें कि इन्होंने ऑल पार्टीज मीट बुलाई, वहां सबको बुलाया और कहा कि हम मिसले का हल निकालेंगे, इस मामले को जो यूथ की एलिगेशन है उसको एड्रेस करेंगे, बाकी चीजें करेंगे, लेकिन उन्होंने कहीं भी मुजाकरात की बात ही नहीं की हुर्रियत से या पाकिस्तान से या सेंटिमेंट को एंगेज करने के लिए। वो खाली बात कर रहे हैं, हाँ जी हम लैपटॉप देंगे, हम ठेके देंगे, हम नौकरियां देंगे, हम सब्सिडियां देंगे। कश्मीर के लोग थोड़ी कोई यहाँ पे कोई मराहत या मफादात के लिए मरे जा रहे हैं, ये तो आजादी की तहरीक है। जब तक सेंटिमेंट को एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, दिल्ली सरकार तो सेंटिमेंट को एक्नॉलेज ही नहीं करती है, एंगेजमेंट तो दूर की बात है। ये आपको क्या वजह नजर आती है, ये कश्मीर के हालात देख के, कश्मीर के अंदर सेंटिमेंट देख के उन्हें मालूम हो कि हमारी बात नहीं सुनी जाएगी इसलिए हम हुर्रियत को एंगेज ना करें? क्या पॉलिसी अपनाना चाहते हैं भारत वाले इस दफा? क्योंकि देखिए ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है, इन्होंने जो है एक जिसे हम कहते हैं कि झूठ का पलंदा कायम कर दिया है ना। मैं बल्कि बीजेपी की नहीं कहूंगा, इवन कांग्रेस की अगर हम बात करें 47 के बाद से, ये जो तमाम हुकूमतें हिंदुस्तान में आई, दिल्ली सरकार जिन्होंने जिसे हम कहते हैं कि न्यू दिल्ली में आई, तो उन्होंने जिसे हम कहते हैं बंच ऑफ लाइज कश्मीर के हवाले से जो है वो क्रिएट किए हुए हैं। भारत के आवाम को ये तासुर दिया है कि भाई कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं, चंद कुछ नौजवान हैं, चंद शरपसंद हैं, ट्रेटर्स हैं, हुर्रियत वाले हैं, और ये सब जो है पाकिस्तान और एजेंसीज और ये वो करवा रहे हैं। आज जो है खुद आप देखिए भारत की पार्लियामेंट में तकारीर होती हैं, करण सिंह जैसे लोग और बाकी सीपीआई लेफ्ट वाले लोग बरमला ये कह रहे हैं कि भाई आप तो आपको कश्मीर के मसले को एड्रेस करना होगा, आपको कश्मीर के डिस्प्यूट को एड्रेस करना होगा, आप कब तक बाकियों की बात कहेंगे, आपको पहले अपने गलतियों का एहसास करना होगा। तो मसला ये भारत के लिए ये है कि अब ये क्या बताएंगे लोगों को? आज तक जो उन्होंने बताया है, अब तो उनको सच बताने का वक्त आ गया है, ट्रूथ बताने का वक्त आ गया है, वो कि कभी बताएंगे नहीं, क्योंकि उनको लिए तो इजी एस्केप रूट यही है कि भाई पाकिस्तान को ब्लेम करते जाओ, बाकियों को ब्लेम करते जाओ, लेकिन अपने जो उनकी जो पॉलिसीज है कश्मीर के हवाले से उस पर ये कौन सी बात कहेंगे। जी मीर भाई साहब, हमें ये भी बताइएगा, 14 अगस्त को हमने बहुत सारे विजुअल्स देखे जिसके अंदर कश्मीर के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराया जा रहा है, आज यौमे सयाह मनाया जा रहा है, क्या कहते हैं आप ये बगैर जो है, या पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के हवाले से या लोगों की कश्मीरीज की फीलिंग्स के हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए ये तो बिल्कुल वाजह है कि जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हक की हिमायत की है। ये ठीक बात है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि भाई जो है वो कश्मीर के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ आएं, लेकिन पाकिस्तान का सपोर्ट कंडीशनल नहीं है कि हम तभी कश्मीरियों की हिमायत करेंगे जब कश्मीर पाकिस्तान के साथ आएंगे। तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा एक 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 पाकिस्तान उसूल की बुनियाद पे हमें सपोर्ट करता है, पाकिस्तान हक की बुनियाद पे हमें सपोर्ट करता है कि भाई ये राइट कश्मीरियों को डिसाइड करना है कि वो कहां जाना चाहते हैं। लेकिन भारत जो है वो उस राइट को डिनाई करता है, वो हमारे हकूक को ताकत और तशद्दुद और जुल्म की बुनियाद पर सल्व करना चाहता है। तो इसीलिए आज जब हम यौमे सियाह मना रहे हैं, यहाँ पे एक काला दिन मना रहे हैं, भारत की कयादत को हम याद दिला रहे हैं कि भाई आप ही के प्रधानमंत्री, आप ही के वजीर आजम नेहरू ने कश्मीर में लाल चौक पे जहां पर हम रेफरेंडम रैली कल करना चाहते थे वहां पे हमारे साथ वादा किया है कि कश्मीरियों को इस्ताब राय के जरिए ये मौका दिया जाएगा कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला करें, और पाकिस्तान उसको मानता है। इसीलिए पाकिस्तान के हवाले से जो आप जज्बात देखते हैं, ऐसा साथ देखते हैं, पाकिस्तान के साथ जो लोगों की यहाँ वाबस्तगी है वो आज की नहीं है बल्कि 47 से है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की हमेशा से कॉन्स्टिट्यूंसी रही है कश्मीर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि आजादी मांगने वाले जो इंडिपेंडेंट कश्मीर की बात करते हैं उनकी भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी रही है और पाकिस्तान ने उसको भी सपोर्ट किया है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का एक लीगल और एक मॉरल जो सपोर्ट है वो ये है कि वो कश्मीरियों के राइट को सपोर्ट करते हैं। हाँ, उनकी ख्वाहिश ये है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बने, लेकिन तब बनेगा जब कश्मीर डिसाइड करेंगे।
ठीक, अब आपकी लीडरशिप इस वक्त, या आप भी हाउस अरेस्ट हैं इस वक्त और लोग भी हाउस अरेस्ट हैं, ये बताइएगा क्या मामला क्या है, और आप जो हैं इस प्रोटेस्ट को सस्टेन करना चाह रहे हैं क्योंकि जानी नुकसान भी हो रहा है, लोग जख्मी भी हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट जो है, एहतजाज जो है भारतीय पॉलिसीज के खिलाफ वो जारी है। देखिए, हम तो कोशिश कर रहे हैं कि कोई यहाँ पे हम जो है ये बात दुनिया तक दिखाएं, दुनिया तक पहुंचाएं कि देखिए हम मजलूम हैं, हम पे जुल्म किया जा रहा है और हमारी बात सुनी जाए। अफसोस की बात यह है कि कोई बात सुन नहीं रहा है, और इस तरह से हर दिन कैजुअलिटीज हो रही हैं, हर दिन कश्मीरियों में। मीर भाई साहब, अगर आप इजाजत दें तो शाहिद लतीफ साहब हैं, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, सीनियर तजियाकार, वो हमारे साथ बात करना चाह रहे हैं इस इशू के ऊपर, अगर आप इजाजत दें मैं उन्हें इन्वॉल्व कर लूं। जी बिल्कुल जी, शाहिद लतीफ साहब, आज नरेंद्र मोदी साहब का बयान हमने पढ़ा, उसके अंदर बलूचिस्तान का जिक्र, जो पाकिस्तान शर्म अल शेख के अंदर भी हमने जाके बात की इस हवाले से, आज वो मोदी साहब ने खुद एक्सेप्ट कर लिया। जी, मोदी साहब जो हैं वो तो अरसा दराज से एक्सेप्ट कर चुके हैं, उन्होंने तो ढाका में खड़े होकर ये भी कह दिया था कि जी जो रियासती दहशतगर्दी है उसका इस्तेमाल करते हुए हमने 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में मुक्तिवाहिनी तैयार की थी, और उन्होंने बड़े फख्रिया अंदाज में कहा कि हमने पाकिस्तान को दो टुकड़े करने में अपना किरदार अदा किया, और उन्होंने शुक्राना अदा किया, शुक्रिया अदा किया उन लोगों का जो हिंदुस्तानी जो है उस जंग में शरीक हुए, और यूं पाकिस्तानी फौज का भेस जो है वो जाहिर करते हुए उन्होंने वहां पर कत्ल गारत की और यूं पाकिस्तानी फौज का नाम बदनाम करने में अपना किरदार अदा किया। ये तो वो, ये आज नई बात तो नहीं है। इस शख्स की अगर आप बैकग्राउंड देखें तो ये एक दहशतगर्द तंजीम का रुकम है ना, और आरएसएस जो है वो जो कुछ हिंदुस्तान में कर रही है, खासकर जब से ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुकूमत आई, वो सारी दुनिया के सामने है। कौन सी अकलियत है जो आज उनके जुल्म और सितम से बची हुई है? हिंदुत्व जो है वो सिर्फ हिंदुओं का वो मुल्क बनाने के लिए वो इस वक्त कोशा है, और वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो तो सिर्फ हिंदुओं के लिए है, उसमें मुसलमानों को कबूल नहीं किया जाएगा, सिखों को कबूल नहीं किया जाएगा, उसमें जो क्रिश्चियंस हैं उनको कबूल नहीं किया जाएगा, जो हिंदुओं में मुख्तलिफ जातें हैं उनके ऊपर भी उनका जुल्म और सितम जो है वो जारी है। फिर जो कश्मीर में उन्होंने ये हद कर दी है जुल्म और सितम की और बर्बरियत की, वो तो सारी दुनिया जो है आज देख रही है, और उस पर जुल्म अलमिया ये है कि कश्मीर को उन्होंने कश्मीर का राबता दुनिया से तोड़ रखा है, यानी आज 36-37 दिन हो गए वहां कर्फ्यू है, खुराक का बंदोबस्त, मेडिसिन का बंदोबस्त, और अगर हमने ये ऑफर की है कि जी हम वहां मेडिकल के लिए ह्यूमन जो है राइट्स की बुनियाद पर हम कोई वहां पे भेजना चाहते हैं इमदाद उनके लिए, वो भी कबूल करने को तैयार नहीं, और फिर वो बलूचिस्तान की बात करते हैं, तो बलूचिस्तान तो वो जानबूझ के दुनिया पे ये जाहिर करना चाहते हैं उसमें दहशतगर्दी हिंदुस्तान इसलिए करवा रहा है कि बलूचिस्तान को जाहिर किया जाए कि वहां भी अमनो अमान की सूरत हाल खराब है, और जाहिर ये किया जाए कि ये बलूचिस्तान के लोग हैं जो स्टेट के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। बावजूद इसके कि उन्होंने दहशतगर्दी कराने में एक एक आखिरी हरबा जो है आखिरी हरबे तक वो पहुंच गए, मगर उसके बावजूद आज भी कल बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर उनका आप बयान पढ़िए, वो कहते हैं जी 1% से ज्यादा ऐसे लोग नहीं हैं जो वहां पे कोई अलहदगी पसंदगी की बात जो है वो वहां पे कर रहे हो। लिहाजा किधर कश्मीर, जो पूरा कश्मीर आज, ये मीर वाइज साहब जो है बैठे हैं आपके सामने, पूरा कश्मीर आज सड़कों पे है, एहतजाज की आवाज बुलंद कर रहा है, और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, और ये जो इतने बड़े बड़े आप मजमे वहां देख रहे हैं ये कश्मीर है, अगर उसमें कोई पाकिस्तानी शामिल होते तो लाइए सामने दिखाइए आप, 1,00,000 लोग वहां शहीद हो चुके आज तक, ये क्या कोई पाकिस्तान से गए हुए दहशतगर्द थे? मसला सिर्फ ये है कि हम दुनिया के सामने वो जो एक परसेप्शन है वो बनाने में नाकाम रहे, हमें हर सूरत ये जो जहनीयत है दुनिया की उसके अंदर ये लाना होगा कि ये भारत का जो प्रोपेगेंडा है जिस पे वो इतना खर्च करता है, और आजकल की जंग और आजकल की जो बुनियाद है जंग की और अपने अपने अपना जो मकसद है उसको आगे लेकर चलने की, वो जहनीयत बनाना है दुनिया की, वो प्रोपेगेंडा और लॉबिंग करना है, लिहाजा हमें लॉबिंग की जरूरत है, हमें मैदान में आकर लॉबिंग करना है, हमें अपने कश्मीरी भाइयों के लिए लगातार और तसलसल के साथ आवाज बुलंद करना है ताकि दुनिया को असल भारत का रुख दिखाया जाए और बताया जाए
कि ये जरा देखिए ये शख्स कौन है जो बात कर रहा है। शायद साहब मेरा ख्याल है इसके लिए मेरा वक्त काफी महदूद होगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर ऑलरेडी जैसे आप बता रहे हैं 6 हफ्ते हो गए कर्फ्यू इम्पोज्ड है, खुराक की किल्लत है, अदवायात की किल्लत है, लोग किस तरह गुजर बसर कर रहे हैं उन्हें बेहतर पता है। ये हम सवाल हमें ये बताइएगा, जो मोदी साहब बयानात दे रहे हैं इंडिया से, क्या एम क्या है उनका? अब इंडिया के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं कि ये तो आप एडमिशन कर रहे हैं, जो दरअंदाजी आप बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं, पाकिस्तान के बयानिए को आपने जो है उसके ऊपर मोहर लगा दी है। देखिए दो बातें हैं, पहले कश्मीर के जद्दोजहद का ये एक नया बाब है, एक नया फेज़ है, और इस फेज़ में पॉपुलर अपराइजिंग हो रही है, आम आवाम और नास वहाँ पे खड़े हो गए हैं। आम तौर पे हर जगह कश्मीर में इस वक्त टर्मोइल है, डिस्टर्बेंस है, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस कंट्रोल नहीं कर पा रही, और वो इंडिजिनस नेचर का है, यानी वो वहीं का है, खुद साख वो पैदा हुआ है ये मसला, और उनकी ये जद्दोजहद सामने आई है। अब आज मैंने बीबीसी पे देखा पहली बार बहुत दिनों के बाद कि कश्मीर के उनका जो रिपोर्टर है, उनका एक टॉप रिपोर्टर वहाँ गया हुआ है, वो बीच उसमें जो टियर गैस हो रही है और शेलिंग हो रही है वहाँ पे, वो बीच में वहाँ से रिपोर्ट करता, फिर वो एकदम से भागने लगा, कहने लगा कि अब तो यहाँ ये फौज हमारी तरफ भी मुड़ रही है। तो मतलब ये है कि इंटरनेशनल अटेंशन आ रहा है। खैर एक ये कि ये अपराइजिंग जो है, ये जो जद्दोजहद है, ये इसका एक नया बाब है जो कि वहाँ खुद साख है, अब खुद उन्होंने इसको बनाया है, इसको इसके लिए पूरी तरह दिल और जान से वो लग गए। दूसरी बात ये है कि भारत बड़े ज़माने से वो दहशतगर्दी की बातें करता रहा है, और वो कश्मीर के प्रॉब्लम को वो डाउनग्रेड करके दहशतगर्दी का प्रॉब्लम बताता रहा है, लेकिन वो अब झूठ सामने आ रहा है, तो उसको कवर करने के लिए अभी भी वो उसी पे लगे हुए हैं कि बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान, बाय द वे गिलगित बल्तिस्तान में तो उसी तरह की अपराइजिंग हुई थी, और उन लोगों ने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था एक जद्दोजहद के बाद, वो वैसे नहीं जैसे कि श्रीनगर में स्ट्रीट डेमोंस्ट्रेशंस और मैसिव अपराइजिंग एहतजाज चल रहा, उसी और शुरू हुआ था 47 में उसी तरह, तो वहाँ तो भारत ने दबा दिया क्योंकि उनकी फोर्सेस पहुँच गई और महाराजा जम्मू भागा और उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पैदा साइन की, ये तो हिस्ट्री है ना। गिलगित बल्तिस्तान में अपराइजिंग हो गई उसी वक्त, और उन लोगों ने झंडा पाकिस्तान का गाड़ा और हेडक्वार्टर पे, और उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, तो क्या बात करते हैं। बलूचिस्तान जो है, आप कहते हैं मिसाल कोई नहीं है, कोई मिसाल इक्वेट नहीं कर सकते। अब बलूचिस्तान में जैसा कि जहरी साहब ने कहा है कि 1% भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो कि पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं, तो ये सब बिल्कुल फजूल की बातें हैं, और वो असल मसले को वो लोग वो मोदी साहब और भारत की हुकूमत उसको उस पर नज़र नहीं डाल रही, और दूसरों को भी उस बात से उनकी नज़र दूसरी तरफ करना चाह रही है, लेकिन ये दोनों ऐसी फ्यूटाइल यानी बेसूद कोशिशें हैं कि इसका कुछ नहीं निकलेगा, और ये अपराइजिंग अब इतने बड़े पैमाने की हो चुकी है कि अब बैनुल अक्वामी बरादरी को ये इसको देखना पड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता होगा। आज बीबीसी ने किया है, कल सीएनएन करेगा, उसके बाद कुछ अखबार वहाँ पे लिखेंगे, और न्यूयॉर्क टाइम्स लिख चुका है, तो ये हो रहा है और इसमें वक्त लगेगा। इसमें अहम सवाल मीर वाइस साहब वो ये है कि ये जो प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं, आप सस्टेन कब तक कर सकेंगे? लोग कब तक गोलियां खाते रहेंगे? कब तक जख्मी होते रहेंगे? कब तक जाने देते रहेंगे? मीर भाई साहब देखिए, ये आपको एक 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 कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि कश्मीर की तहरीक आजादी कोई आज नहीं थी है कि भाई आज पहली बार लोग निकले हैं, क्योंकि ये तसलसल है। 31 से जो है
हम अपनी जद्दोजहद लड़ रहे हैं, बहुत से फेजेज आए, बहुत से मराहल आए, कश्मीरियों ने हर मरहले पे कोशिश की कि अपनी आवाज को वो मनतकी अंदाम तक ले जाएं। कोशिशें कभी कामयाब हुई कभी नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि वो जज्बा, वो इसार और वो कमिटमेंट कश्मीरियों का अपनी तहरीक के हवाले से, अपनी आजादी के हवाले से मौजूद है कि नहीं है। और मैं समझता हूं कि आज पांचवी नस्ल हमारी है, वो कमिटमेंट दिन ब दिन ज्यादा हो रहा है, वो कमिटमेंट और जो ताल्लुक लोगों का तहरीक के साथ है, जवानों का तहरीक के साथ है, वो दिन ब दिन मजबूत हो रहा है। इसलिए हम कोई मायूस नहीं है कि हमें आजादी आज मिलती है या कल मिलती है, लेकिन हम इस बात पे पूरा हमें यकीन है कि पूरी कश्मीरी कौम खड़ा है अपने हक के लिए। आजादी की जद्दोजहद में आप कोई टाइम फ्रेम लेके नहीं निकल सकते कि भाई हमें इसी मरहले पे जो है वो पूरी आजादी हासिल करनी है। मैं समझता हूँ कि एक फेज है, एक अहम फेज है, और हम इसमें भी आगे चलेंगे। 2008 में हम निकले, 2010 में हम निकले, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई अगर उस वक्त जो है वो हुकूमत ने तशद्दुद और ताकत के बल पे दो ढाई तीन महीने लगा के फिर वापस स्क्वायर बैक टू स्क्वायर वन आने की कोशिश की तो हम सब भूल जाएंगे। ये तहरीक आजादी के मराहल हैं। कुछ लोगों को, कुछ कौमों को आजादी जल्दी मिल जाती है, कुछ कौमों को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, और हम बिल्कुल इस वक्त पूरी कौम तैयार है और हम इस बात पे बिल्कुल कमिटेड है कि ये बहुत ही अहम फेज है और हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल इस मरहले पे के लोगों को कहें कि भाई हम निकलें, जितना भी हम उसको सस्टेन कर सकेंगे हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, शाहिद लतीफ़ साहब, जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की बात करते हैं, भारत की जारियत के हवाले से इंगेज करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ उन्हें कम सुनाई देता है, क्या कहते हैं आप? देखें, बात यह है कि पहली बात तो ये कि हमें अपनी कश्मीरी भाई जो हैं उनके हिम्मत और हौसले की दाद देनी चाहिए। वो बिल्कुल काबिल तहसीन है कि अरसा गुजर गया और उनके हौसले जो हैं उनमें कमी नहीं आई। यानी तकरीबन 1,00,000 के करीब शहीद हुए लोग, और जो उनके साथ जुल्म, सितम और बर्बरियत का मुजाहरा आज हम देख रहे हैं, ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ। ये तो अरसा दराज से जारी है। यानी 7 से 8 लाख फौज एक इतनी सी वादी में लोगों पर मुसल्लत कर देना, ये और कहना कि जी वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है जिसको हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये बाकायदा उनका हक है और अक्वामे मुतहदा ने इस हक को तस्लीम किया। इंडिया गया था अक्वामे मुतहदा और वहाँ उनके कहने पर ये करारदाद एक पास की गई थी जिसमें पाकिस्तान एक फरीक है। जब मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान फरीक है, तो हमारे ऊपर ये लाजिम है कि हम उनके साथ सफारती, सियासी और जो एक इखलाकी मामले हैं उसके तहत उनका साथ दें। और साथ देने का मेरा ये मतलब है कि हमें हर सूरत आज जैसे जिस दौर से गुजर रहा है कश्मीर और पूरी दुनिया इसको देख रही है, कश्मीर बुलानी चाहिए। हमें अक्वामे मुत्तहिदा का दरवाजा खटखटाना चाहिए कि ये आपकी करारदाद है, ये हमने तो नहीं पास की थी। तो बैन अल-अक़वामी बरादरी आपको तभी सुनेगी ना कि अगर आप इसके ऊपर खड़े हो जाएं और जोरदार तरीके से अपना किरदार अदा करें। और फिर मुस्लिम उम्मा कहाँ है, उसका भी एक इजलास बुलाया जाए और सारे वो जो एवेन्यूज हैं हमारे उनको इस्तेमाल किया जाए ताकि वो जो आपने बात की, जो वर्ल्ड कम्युनिटी है, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ये उसका फर्ज बनता है, मगर उनको उस फर्ज का एहसास दिलाना पाकिस्तान जैसे मुल्क का फर्ज है, क्योंकि हम फरीक हैं, हम कोई गैर कानूनी, गैर सियासी, गैर इखलाकी बात नहीं कर रहे। और अगर हम साल में एक मरतबा बस कश्मीर डे मना लेंगे या फिर हम जो अक्वामे मुत्तहिदा का एक इजलास है उसमें एक दिन खड़े होकर कश्मीर का नाम ले लेंगे, ऐसे ये मसला हल नहीं होगा। और आपने सुन लिया मीर वाइज साहब को, वो हमसे ये नहीं चाहते कि हम वहां जाएं और जंग में उनका साथ दें। ये बड़ी हिम्मत की बात है। वो ये कह रहे हैं कि हम अपना हक अदा करेंगे और अपना हक हासिल करने के लिए जानों के नजराने भी देंगे, मगर वो अपने पाकिस्तानी भाइयों से, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इखलाकी, सियासी और सफारतकारी के तौर पर जो उनका फर्ज है, वो उसकी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये फर्ज पूरा करें, क्योंकि कश्मीर की आवाज तो बाहर कोई सुनाई नहीं दे रही, सुनने दिया नहीं जा रहा, ब्लैकआउट कर दिया गया, तो ये काम कौन करेगा? ये फिर पाकिस्तान ही को काम करना है। ठीक है, तो लेकिन वो पाकिस्तान को किस तरह ये काम करना है, ये भी एक सवालिया निशान है। रेजोल्यूशन करते हैं, खुद गए लेकर आए, फिर कहते हैं कि बायलैटरल कर लें, उसके बाद अब वो कहते हैं अटूट अंग हो गया है, मिलिट्री माइट आप देख लें, इंटरनेशनली आप देख लें, आप लोग खुद सारी वो बात करते हैं, तो फिर कैसे पाकिस्तान को मनाना है?
या कैसे मसला कश्मीर को उजागर करना है पाकिस्तान ने? देखिए, मसला कश्मीर के हिमायत में लोगों के ख्यालात को उजागर करना ये एक बड़ी मुहिम है और इसमें बहुत बहुत सी मुश्किलात हैं जो कि हम लोग यहाँ बात नहीं करते हैं, लेकिन हमें करनी चाहिए, क्योंकि हकीकत को जब तक हम सामने नहीं रखेंगे तब तक हम कोई रिज़ल्ट नहीं अचीव कर सकते हैं। हम बोलते रहेंगे, धुआंधार तकरीरें करते रहेंगे और हर किस्म के जज्बात का इजहार करेंगे, लेकिन उससे फैसला या फ़ायदा कोई नहीं होगा। अब हकीकत यह है कि बैनुल अक्वामी सतह पे एक चीज़ होती है जियोपॉलिटिक्स, जो बैनुल अक्वामी सियासत भी कही जा सकती है। वो जियोपॉलिटिक्स कश्मीर के मामले में बहुत अहम हो गई है और रही है। यानी 50 की दिहाई और 60 की दिहाई में 3 या 4 मरतबा यूएन में रेजोल्यूशन, रूस ने कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन वीटो किया है। क्यों? कि नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, कोई वजह नहीं। तो हमें ये सारे रियलिटीज़ को फेस करना पड़ता है। हम अगर आज कॉन्फ्रेंस बुला लें, जो कि बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है उसमें क्या होगा? लोग नहीं आएंगे। अरब लीग की अभी कॉन्फ्रेंस हुई है नुआखशात में, वहाँ पे 40 डेलीगेशंस के बजाय 10 या 11 डेलीगेशंस वहाँ पहुँच पाई और आई, शरीक हुई, बाकी नहीं शरीक हुए। क्या कर सकते हैं आप? सऊदी अरब नहीं गया वहाँ, यमन तो था ही नहीं, सीरिया और इराक में तो एक तबाही आई हुई है। तो इस तरह जॉर्डन और मेरा ख्याल है कि लेबनान, इस तरह के ममालिक गए। तो अरब लीग ने मीटिंग तो कॉल कर ली, नतीजा क्या हुआ? अच्छा, मैं फिर भी कहता हूँ कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, उसके लिए ग्राउंड वर्क करने की ज़रूरत है। ये ऐसे नहीं होगा आपने ऐलान कर दिया और लोग आ जाएंगे। आप उसके लिए कोशिश पहले करेंगे, पहले आप ग्राउंड प्रिपेयर करेंगे। कश्मीर के मामले में सारे ममालिक बहुत इस बात से रिलक्टेंट होते हैं, इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते कि भारत के खिलाफ कोई केस उनके सामने आए, क्योंकि उनको फिर पोजीशन लेनी पड़ेगी, उसूली पोजीशन, और भारत के खिलाफ वो कुछ नहीं करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल वेट भारत के मुकाबले में कम है, इसलिए हमारी मजबूरियां हैं। मैंने सारी ज़िंदगी कश्मीर के कॉज की बातें की हैं इंटरनेशनली, वाशिंगटन में की है, लंदन में की है, ब्रसल्स में की है, मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ, मगर उसका ये तो नहीं होता कि उसी वक्त वो लोग कहते हैं हाँ भाई हम तो मानते हैं। हमने डोसियस दिए हैं, हमने किताबें दी हैं उनको, हमने एलिस्टर लैम की किताब दी है कि डिस्प्यूटेड लेगेसी ये, मगर बात यह है कि वो सुनते हैं, वो समझते भी हैं, लेकिन वो आगे कुछ नहीं करते हैं। अब मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमारे डिप्लोमेटिक सिफारतकारी और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के तहत के वजह से कोई ख़ास तब्दीली नहीं आ सकती है, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो एक नया आंसर है और बहुत अहम आंसर है कि कश्मीरी कौम की खुद साख एक इंसर्जेंसी, एक आम बगावत सारे स्टेट के खिलाफ, वो अब एक बहुत अहम आंसर आ गया है इस सारे मसले में, जिसका पाकिस्तान पूरी तरह इसका प्रचार कर सकता है ठीक, और आगे बढ़ सकता है ठीक। शाहिद साहब, अली सरवर नकवी साहब कह रहे हैं कि डिप्लोमेसी आसान काम नहीं है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो हैं वो आपको करनी पड़ती हैं, और साथ कह रहे हैं कि पाकिस्तान का वेट अगर भारत के साथ आप कंपेयर करें इंटरनेशनली तो कम है। क्या कहते हैं, हमें क्या करना है यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के घर के हवाले से? ठीक करना है, हमें बेहतर करना है ताकि एक होके आवाज़ बुलंद कर सकें? क्या कहते हैं आप? देखिए, ये सारी चीज़ें पैरेलल करनी पड़ेंगी ना आपको। वेट उसी मुल्क का बनता है ना जो अपना वेट बनाता है, और अगर हम एक दूसरे के साथ दस्तो गरेबान हैं पार्लियामेंट में, वो जगह जहां मुल्की मसाइल की बात होनी चाहिए, जहां लोगों के मसाइल की बात होनी चाहिए,
جہاں ہمارے بین الاقوامی معاملات جو ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, کس طرح پاکستان کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے. یعنی ہم تو دن بدن نیچے کی طرف جا رہے ہیں نا ان سارے معاملات میں. تو یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جتنا آپ کا وزن ہوگا اتنی ہی آپ کی آواز سنی جائے گی. اس کے لیے ہوم ورک بھی چاہیے, اس کے لیے اپنے معاملات کو ٹھیک بھی ہم نے کرنا ہے تاکہ آپ کی آواز سنی جائے. تو یہ کام حکومت نے کرنا ہے نا, ہمیں چاہیے کہ اس پر ہم بات چیت کریں. حکومت ہماری جو ہے ان چیزوں کو دیکھے. مگر ایک بات تو طے ہے کہ کشمیر کے معاملے میں ہم اس چیز سے گھبرا کر اگر پیچھے بیٹھ جائیں کہ ہماری آواز نہیں کوئی سنے گا تو پھر تو یہ ایک ظلم ہے. ہم فریق ہیں, ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کا ساتھ ہر صورت دینا ہے. پھر یہ معاملہ دیکھیں, فلسطین کا معاملہ کس طرح بیک برنر میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا گیا, کیونکہ اس میں خاص کر جو عرب ممالک ہیں وہ کشمیر وہ فلسطین کے کاز کے لیے اس طرح مل کر کبھی سامنے نہیں آئے. یعنی ہم 58 کے قریب مسلمان ملک ہیں اور 1.5 بلین سے زیادہ ہماری آبادی ہے مسلمانوں کی, اور اس کے باوجود ہماری آواز نہیں کوئی سننے کو تیار. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے. میں سمجھتا ہوں پاکستان جیسے ملک جو کہ مسلمان دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے, ہماری افواج ہیں ان کا ایک بہت بڑا نام ہے, ہم واحد نیوکلیئر پاور ہیں اس کی وجہ سے ہماری بہت امپورٹنس ہے. ہمیں چاہیے ہم جیسا ملک, پھر ترکی ہے اس نے بڑی ریپڈلی ترقی کی ہے اس جیسا ملک, ہم مل کر انڈونیشیا ملیشیا کو دیکھیں, وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں, ہم مل کر ایک اپنا کنسورشیم بنائیں جس کے تحت سب سے پہلے جو مسلمان دنیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تفرقہ اور جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی کا شکار ہے اس کو پہلے ٹھیک کیا جائے. یہ جو دو بلاک بن گئے ایران کا اور سعودی عرب کا, اس سے باہر کی دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. ہمیں ڈیوائیڈ کر دیا گیا, نیو ورلڈ آرڈر کے تحت سب سے پہلے ہماری صفوں میں تفرقہ ڈال دیا گیا, فرق پیدا کر دیا گیا, تقسیم پیدا کر دی گئی. تو یہ سارے معاملے سوچنے کے ہیں. ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کے اندر ہمیں فوری طور پر اقدامات کرنے ہیں تاکہ ہمارے نام کو ٹھیک کیا جائے, مسلمانوں کا نام ٹھیک کیا جائے. اور یہ جو ایک اتنی بڑی سازش ہے عالم اسلام کے خلاف کہ ان کو اتنا کم کر دو ان کی طاقت میں, ان کو آپس میں تفریق کر کے تقسیم کر کے, کہ کوئی بھی مسلمان ملک جو ہے وہ ایک پاور کے طور پر ابھر کر سامنے نہ آئے. اور اگر یہ اکٹھے ان کا ایک پلیٹ فارم بن گیا تو پھر یہ کشمیر کا مسئلہ بھی لائیں گے, فلسطین کا مسئلہ بھی لائیں گے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ دنیا بھارت کی طرفداری کرنا چاہتی ہے, دنیا اسرائیل کی طرفداری کرنا چاہتی ہے, کیونکہ وہاں ان کے مفادات ہیں. مگر اس کا کیا یہ مطلب کہ ہم شکست مان لیں؟ 58 ملک ہوتے ہوئے, 1.5 بلین آبادی ہوتے ہوئے, ہمیں اپنی ایفرٹس جاری رکھنی ہے. انڈر لائن باٹم لائن شاہد لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یو کین ناٹ جسٹ گیو اپ, لیکن اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا گھر آپ ٹھیک کریں, اپنی حکومت کی آپ حالت ضرور دیکھیں. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے. میں علی سرور نقوی صاحب